आज हमारे साथ जन अधिकार पार्टी के प्रत्याशी इमामगंज विधानसभा से जुड़ चुके हैं महाखबर पे बात करने के लिए। क्योंकि अभी कुछ देर पहले यहाँ पर जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव और चंद्रशेखर आज़ाद भी यहाँ पहुँचे, इमामगंज में सभा को संबोधित किया और फकीरजन चंद दास को भी सभा को संबोधन किया। क्योंकि जिस तरीके से भीड़ था यहाँ पर, वाकई में इनका बोलबाला है इमामगंज की धरती पर। और फकीरजन दास ने जन जन का सेवा करने का यहाँ पर निर्णय लिया है, ठाना है। क्योंकि इनका आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि बिना चप्पल के हैं, यानी इन्होंने कसम खाया है कि हम, अगर मेरी सरकार बनती है, हम विधायक जिंदगी भर के लिए इन्होंने कसम खाया है कि मैं जन जन का सेवा करूंगा। और अभी आप देख सकते हैं कि जिस हालात में है वो, इनका जो है वो पहचान है कि हम जन जन का सेवा करेंगे। बहुत स्वागत है सर महाखबर में बात करने के लिए। मेरा नाम फकीरचंद दास है, इमामगंज विधानसभा के धरती से ही चौगाई ग्राम हुआ, बाकी बाजार प्रखंड हुआ, रोशनगंज थाना हुआ। मैं आज नहीं, 40 साल से जी इमामगंज विधानसभा के चप्पे चप्पे गांव में मैं जाता हूं, समस्या को सुनता हूं। हमसे जो होने लायक और समस्या दूर होने वाला चीज़ होता है हम जरूर करते हैं। ऐसे आप बिना चप्पल के चलते हैं, आपने परिस्थान किया है, आपने ठाना है कि हमको जन जन का सेवा करना है। होश होने के बाद जी चप्पल जूता धारण नहीं किया जी, और खाली पैर चल करके ही जी आम जनता को सेवा करता हूँ जी। हमारे इमामगंज विधानसभा 80% गांव जंगल में ही वास करता है जी। जंगली क्षेत्र है, कहीं भी जाते हैं खाली पैर ही जाते हैं। और हमें जन अधिकार पार्टी माननीय पूर्व मुख्यमंत्री पप्पू यादव, पूर्व सांसद पप्पू यादव जी इमामगंज का प्रत्याशी बनाए हैं। मैं उनको आभार प्रकट करता हूँ कि एक गरीब और एक फकीर को टिकट दिए हैं, और इमामगंज के हर गांव से मुझे समर्थन मिल रहा है। क्योंकि यहाँ एक मुहिम छिड़ा हुआ है, विदेशी भगाओ क्षेत्रीय फकीरचंद दास, फकीर को जीता, इस तरह का पूरे इमामगंज विधानसभा में लहर है। यहाँ जिस तरह से ऊपर में पार्टी गठबंधन लोग करता है किसी को सरकार पलटने के लिए, तो यहाँ के सरभरा जात मुसलमान से हिंदू में जितना तरह के जात हैं, मुस्लिम में जितने तरह का जात आते हैं, वो जन जन का समर्थन मुझे प्राप्त है। हर जगह पर लोग गोलबंद है और ये बोलते हैं कि नहीं, हमको इमामगंज विधानसभा का ही बेटा को चुनाव जिताना है और जो फकीर है। आज आपके सभा में जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव आए, काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, कैसा महसूस कर रहे हैं? वोटरों का रुझान किस तरह जा रहा है? वोटरों का रुझान हमारे पक्ष में है, कैंची छाप पर उन लोग वोट देना चाहता है, और इन लोग हवाई हवा है, लेकिन एक ठो काम करने में पूरा तुले हुए हैं। हर गांव के चयनित कर रहे हैं जी, कुछ बिचौलिया दलाल को जी, कि दलाल को पैसा देने से हमारा वोट गांव में बनेगा जी। लेकिन उन लोग समझ ले, इसलिए कि राज सरकार में इन लोग रह करके, एक पूर्व मुख्यमंत्री हैं जी, एक पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हैं जी, पैसा तो इन लोग के पास है, पैसा है, पैसा जनता में बांट रहे हैं, लेकिन जो मकसद से इन लोग पैसा बांट रहे हैं, अब वोटर इतना पागल नहीं है जी। इतना जो है से हर जगह का वोटर समझ रहे हैं कि हम लोग के क्या करना है, और करना वही है क्षेत्रीय फकीरचंद दास को जिताना है। हर के वोट पर मुस्कान है, हर गांव का फकीरचंद दास को बुलाने का चाहत है। हम गांव गांव जा रहे हैं और हाथ जोड़ करके एक फकीर की तरह भीख मांग रहे हैं। फकीरचंद दास फकीर है, हम बोलते हैं भी जी कि हमको एक वोट भी दीजिए जी, और 5 गो नोट भी दीजिए जी, ताकि हम अपना कार्यकर्ता को
भोजन दे सके और गाड़ी झगड़ा को मेंटेन कर सके, और ऐसा लोग कर रहे हैं। सर, पप्पू यादव का ये कहना है कि 30 सालों में बिहार का नक्शा नहीं बदला, हम 3 साल में नक्शा बदल देंगे। हमारे माननीय जनाधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव ने प्रतिज्ञा पत्र घोषणा किए हैं और हाई कोर्ट में एफिडेविट किए हैं। 30 साल बनाम 3 साल जी, अगर 3 साल मौका आप लोग देते हैं बिहार के वासी, तो एशिया के नंबर बिहार को 1 बना देंगे। कहीं भी जो बिहार वासी इधर उधर भटक जाते हैं, भूख भूख के लिए तरस जाते हैं, रास्ता चलने पर मजबूर होते हैं, ये सब दूर हो जाएगा। क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कहना है कि हर जगह पर फैक्ट्री होगा, हर जगह पर कोई ऐसा काम होगा जिसे मजदूर बाहर जाने के लिए सोच नहीं सकते। हम उसका यही काम देंगे, जो पैसा वहाँ मिलता है हम यही देंगे। ये हमारे अध्यक्ष जी का सोच है और इसी सोच पर हम भी चलने का एक शपथ लिया है कि जनता के बीच रहना है, जनता को काम करना है, हर क्षेत्र में शिक्षा को मजबूत करना है, हर क्षेत्र में किसानों को लड़ाई को मजबूत करना है और हक दिलाना है। जगह जगह पर जो फालतू पानी नदी से उतर करके चला जाता है उसको बांधने का काम करेंगे। स्वास्थ्य जो है, स्वास्थ्य जो बिल्कुल बुरा हाल है, इसको चाहेंगे कि यहाँ का दुरुस्त करें, पूरे इमामगंज विधानसभा में दुरुस्त करें। अगर हमें यहाँ का जनता, माता बहन, बुजुर्ग, गार्जियन, ये सब फकीरजन का आशीर्वाद देते हैं, तो हम ये महसूस करेंगे कि आज़ादी के बाद पहला विधायक जो फकीरजन दास एक फकीर हुआ है, जो जन जन का विकास देने वाला है, मजदूरों का न्याय देने वाला है और कदम से कदम मिला करके चलने वाला है, ये महसूस करेगा लोग। साल राजद को भी देख लिए, 15 साल नीतीश कुमार को भी देख लिए और 5 साल विधायक जीतन राम मांझी को भी देख लिए। अब क्या लगता है इमामगंज विधानसभा में क्या होना चाहिए, कैसे कौन नेता आएगा जो इमामगंज विधानसभा को विकास करेगा? फकीरचंद दास विकास करेगा जी। यहाँ विधायक मान के चलिए कि यहाँ चुन लिया है लोग जी, लेकिन परंतु नहीं है। और जहाँ तक 30 साल में 15 साल हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव का जी का सरकार रहा, हम भी उस समय लालू यादव जी का ही भक्त थे। हम उनके रीजन काल में उनको सींचने के लिए 4-5 बार आंदोलन में जेल भी गया, पुलिस का लाठी भी खाया, लेकिन यहाँ के जो दमंग अपने आप राजद कहने वाला लोग, हम लोग ऐसे ऐसे कार्यकर्ता को तरजीह नहीं दिया, न्याय नहीं दिया, गरीबों का भटकाने का काम किया, साथ छोड़ने का काम किया, और कुछ ऐसे नेता लोग ऐसा ऐसा स्टाइल से चलने लगे कि नेता के भैलू मात्र राइफल ही होगा और गला में 100 ग्राम 200 ग्राम का सोना ही होगा। लालू यादव के जी निकलता था, लालू यादव के सारा लोग गाली देता था, लोग समझता था कि लालू यादव अगर चल गए, लेकिन जीन लालू यादव का कोई जीन नहीं था, जीन वही था जो गरीब था, दलित था, पिछड़ा था, ये सब जीन थे उनका। इमामगंज की जनता अगर आपको जीत कर भेजती है इमामगंज विधानसभा से, तो इमामगंज के लिए क्या करेंगे आप? जो 30 साल में 2 लुटेरे लोग यहाँ रहे हैं, 25 साल उदय नारायण चौधरी जी रहे हैं, उदय नारायण चौधरी जी का राजनीति रहा डरावना रहा, आम जनता को डराने धमकाने, केस में फंसाने, जगह जगह पर उन्माद फैलाने का राजनीति किए हैं। उनको कहीं स्थान नहीं मिला तो पुनः
राजद में चले गए और लालटेन थाम लिया। लेकिन लालटेन जो थामे हैं भले शीर्ष नेता कबूल कर रहे हैं, लेकिन इमामगंज विधानसभा का, उदय नारायण चौधरी का जनता और यादव समाज नेता नहीं मान रहे हैं। लालू जी का नेता मानते हैं, तेजस्वी जी का नेता मानते हैं, लेकिन उदय नारायण चौधरी को मानने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी बात, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी जीतनराम मांझी हैं रहे हैं, जीतनराम मांझी तो यहाँ विकास क्या देंगे, यहाँ के जनता को धोखा दिए, जनता को बीच में नहीं रहे, जनता से कोई संपर्क नहीं रहा, न विकास दिए, और कहीं कहीं विकास दिए हैं जो एक मुख्यमंत्री रह चुके हैं और अगले मुख्यमंत्री बनने का सोच रखते हैं। ओ मुख्यमंत्री, जितना भी यहाँ काम दिए हैं 10% 15% लेकर के ही काम दिए हैं, और दो चार लोग इमामगंज विधानसभा में बैठे हैं, और न गरीब में बैठे हैं, न दलित में बैठे हैं, न रिक्यासन समाज में बैठे हैं, न यहाँ का शिक्षा संबंधित, स्वास्थ्य संबंधित, किसानों का लड़ाई संबंधित, छात्रों का पढ़ाई लिखाई संबंधित जितना में है सोन में बैठ गए हैं। इसीलिए यहाँ का जनता नकारने के लिए तैयार है। यहाँ जब आते हैं, गया से जब चलते हैं, तो उनका मात्र गाड़ी कोठी में ही रुक सकता है, डुमरिया में एक आध को छूने छाने जो है उन्हीं के पास बैठते हैं, गरीब के पास नहीं रहे। इसलिए इनको नकार रहे, और एक इमामगंज विधानसभा के आम जनता खुश नहीं है तो इनके पास कोई ऐसा रुतवा नहीं है कि मुख्यमंत्री का लायक है, नहीं लायक है। हम तो उनके बारे में बोलते हैं, वो बोलते हैं कि कहे कि हम पढ़ल ही यही से अड़ल है, झाँक करके देखा तो इतना सड़ल है, लेकिन मोज के लिए अड़ल है। हमारे मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री जी का सोच है, और नीतीश जी जो विकास के बात करते हैं, विकास किए हैं, वो आहार में, हर आहार में बोरिंग करवाए हैं। ये बोरिंग क्या है? लूट है, ये नेताओं का लूट का जरिया है। अगर हम विधायक होते हैं, जनता के आशीर्वाद मुझे प्राप्त होता है, तो एक मुख्यमंत्री जी का एक योजना का फकीरचंद दास जांच करवा देगा कि हमारे मुख्यमंत्री जी जो गठबंधन का कड़ी में जुड़े हैं कितना विकास किए हैं, जांच हो जाएगा। हमारे विधानसभा में तो ज़रूर होगा, ये तो हम आम जनता में बोल रहे हैं।